गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे। गंगा नदी में सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो गंगा नदी प्रणाली है। गंगा नदी प्रणाली को जब भी पढ़ते हैं तो पंचप्रयाग आपने नाम सुना होगा, तो उन पंचप्रयाग को ही पढ़ना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। पंचप्रयाग से प्राय प्रश्न आते हैं कि देवप्रयाग किसे कहते हैं, विष्णुप्रयाग किसे कहते हैं, ठीक, कर्णप्रयाग क्या है, नंदप्रयाग क्या है, रुद्रप्रयाग क्या है, मतलब किन नदियों के मिलने के बाद रुद्रप्रयाग बनता है। ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों के जवाब को देते समय थोड़ी सी कठिनाई होती है। आज मैं आपको डायग्राम के माध्यम से पूरा समझा दूंगा कि गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है या गंगा नदी प्रणाली क्या है, कैसे कैसे होकर जाती है। तो जैसा कि आप सभी को एक बात विदित होगा कि गंगा गंगोत्री से निकलती है और 2525 किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के बाद जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और सबसे लंबी दूरी आपके उत्तर प्रदेश से अपने प्रदेश में तय करती है। इसी के साथ साथ हम और चीज़ों को देखते हैं कि ये पंचप्रयाग क्या है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आइए देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें देखते हैं कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो लगभग 7000 मीटर के ऊंचाई पर है। लगभग गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ग्लेशियर पिघलती है, वहां से निकलती है। तो जिस समय गंगोत्री से नदी निकलती है, जलधारा निकलती है, उस समय उसका नाम भागीरथी होता है। क्या नाम होता है? भागीरथी। क्या नाम होता है? ध्यान दीजिएगा, उसका नाम भागीरथी होता है। मतलब हमें देख पा रहे हैं इधर से गंगोत्री से जो नदी आ रही है इसे हम कहते हैं भागीरथी नदी। कौन सी नदी होती है? भागीरथी नदी होती है। भागीरथी नदी के बाद थोड़ा सा आगे आती है, जब भागीरथी इधर से आती है भील गंगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर से कौन सी नदी आ रही है? गंगोत्री निकल रही है। गंगोत्री से जो नदी निकलती है उसे क्या कहते हैं? भागीरथी। भागीरथी में इधर से कौन सी मिलती है? भील गंगा। भील गंगा, जब भील गंगा भागीरथी से मिलती है वहां पे एक बांध बनता है, टिहरी बांध। कौन सी बांध? टिहरी बांध। एक प्रश्न छोटा सा आता है कि टिहरी बांध कहाँ बना है? तो टिहरी बांध कहाँ बना है? उत्तराखंड में। ये बड़ा विवादित है पर्यावरण दृष्टिकोण से, ये बाद में देखेंगे कि टिहरी बांध की क्या समस्याएं हैं, क्या ऐसा है कि वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं टिहरी बांध की, उसे बाद में देखा जाएगा। लेकिन यह जानते हैं कि टिहरी बांध कहाँ बना है? भील गंगा। ध्यान दीजिएगा, भील गंगा और भागीरथी दोनों के मिलन बिंदु पर जो बांध बना है उसे हम कहते हैं टिहरी बांध। फिर यह और आगे बढ़ती है, हमने देखा गंगोत्री ग्लेशियर से या गोमुख से क्या निकलती है? भागीरथी आती है भीलगंगा के पास, क्या बन गई? टिहरी बांध। फिर भागीरथी, भागीरथी थोड़ा सा और आगे जाती है। जब थोड़ा सा आगे जाती है फिर हम ये देखते हैं कि इधर से जो भागीरथी आ रही, इधर से आ रही अलकनंदा। भागीरथी अलकनंदा दोनों जहां पे मिलते हैं वहां पे एक प्रयाग बनता है जिसे हम देवप्रयाग कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग कहाँ है? उधर से आती है भागीरथी, इधर से आती अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से क्या बनता है? देवप्रयाग बनता है और यहीं से इसका नाम गंगा पड़ता है। माने कहाँ पड़ता है? गंगा नदी। और यह ऋषिकेश, ऋषिकेश जानते कहाँ है? हरिद्वार है, ठीक। ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार, फिर वहां से गंगा के रूप में सतत रूप से चलती जाती है पश्चिम बंगाल तक। तब यहां तक हमने देखा कि भागीरथी से गंगा होने तक, भागीरथी कहाँ से निकली? गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकली और आगे भील गंगा से मिली, टिहरी बांध बना। फिर भागीरथी और आगे उधर से अलकनंदा आ रही थी, तो जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का मिलन हुआ उसे हम क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। कौन सा प्रयाग? देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद ही गंगा नदी कहलाती है। ऋषिकेश, हरिद्वार के बाद गंगा सतत रूप से बहती जाती है। फिर आते हैं दाएं तरफ, देखते हैं दाएं तरफ, देखते हैं तो सतोपत ग्लेशियर से नदियां निकलती, दो नदियां। एक आती है इधर से विष्णु गंगा, इधर से आती है धौली गंगा। कौन कौन आती है? ध्यान दीजिएगा, इधर से आती है विष्णु गंगा, इधर से आती है धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों आपस मिलते हैं, विष्णु गंगा और धौली गंगा। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा जहां पे मिलते हैं वहां पे विष्णु प्रयाग होता है। कौन कौन? ध्यान दीजिएगा, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में कौन कौन मिलते हैं? धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने के बाद कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णु प्रयाग। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे दिखा पहला विष्णु प्रयाग। तो ये प्रश्न आपका अगर पूछा जाए कि विष्णु प्रयाग किन नदियों से मिलने से बनता है, तो धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने के बाद जो प्रयाग का निर्माण होता है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। यहीं से इस नदी का नाम अलकनंदा हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? अलकनंदा। अगर ये प्रश्न पूछ दे कि अलकनंदा कहां से बनती है, तो धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलन के बाद, विष्णु प्रयाग के बाद वह अलकनंदा कहलाती है। फिर ये अलकनंदा कहलाती है। फिर यही अलकनंदा आगे जाके भागीरथी से मिलती है, कहां पे? देवप्रयाग में। फिर आगे देखते हैं,
अब यहाँ से अलकनंदा नदी और आगे जाती है, जब आगे जाती है उधर से आती है पिंडार नदी। कौन से आती है? पिंडार नदी। कौन सी आती है? ध्यान दीजिएगा, पिंडार नदी। जब पिंडार नदी आती है, कौन सी? पिंडार नदी। जब पिंडार नदी यहाँ से आती है धाचौर पे, फिर मिलती है कहाँ पे? अलकनंदा से। तो जहां पे पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है उसे हम कहते हैं कर्णप्रयाग। क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग। तो अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि कर्णप्रयाग किन नदियों के मिलने से बनते हैं, तो पिंडार और अलकनंदा के मिलन से, पिंडार और अलकनंदा के मिलन से कर्णप्रयाग बना। दो प्रयाग हमने पढ़ा, विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग। अब नीचे आते हैं, अब फिर ये संयुक्त धारा और आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी केदारनाथ से नंदाकिनी, एक होती है मंदाकिनी एक होती है नंदाकिनी, तो केदारनाथ से कौन सी निकली? नंदाकिनी। कौन सी नदी आई? नंदाकिनी। फिर नंदाकिनी आके अलकनंदा से मिलती है, वहां पे बना नंद प्रयाग। यहाँ पे देख रहे हैं, ये नंदाकिनी केदारनाथ से निकल कर आई और फिर किसमें मिली? अलकनंदा में। तो क्या बना? नंद प्रयाग। क्या बन गया यहाँ पे? नंद प्रयाग बना। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। फिर और आगे चले तो नंद प्रयाग के बाद फिर अलकनंदा और आगे चली। जब और आगे चली उधर से मंदाकिनी आ रही थी। कौन सी नदी? मंदाकिनी। जब मंदाकिनी आके मिली किसमें? अलकनंदा में। तो यहाँ पे कौन सा बना? रुद्ध प्रयाग। कौन सा बना? रुद्ध प्रयाग। कौन सा प्रयाग बना? रुद्ध प्रयाग बना। कौन सा? रुद्ध प्रयाग। किसके किस्से से? मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलन से रुद्ध प्रयाग बना। फिर अलकनंदा और आगे आती है, फिर भागीरथी से मिलती है, फिर देव प्रयाग बना। इस प्रकार पांच प्रयागों का निर्माण हुआ, इन्हें पंच प्रयाग कहते हैं। इसके अलावा एक और होता है जिसे हम कहते हैं महाप्रयाग। तो महाप्रयाग किसे कहते हैं, ये आपका इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, हमें भी अच्छा लगेगा कि महाप्रयाग किसे कहते हैं। पंच प्रयाग को एक बार और हम रिपीट करते हैं, आराम आराम से आपको समझाने के बाद प्रयास करते हैं, कब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम इधर से आते हैं, शतपथ ग्लेशियर से दो नदियां निकलती हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा, दोनों आकर मिलती है, जिसे कहते हैं हम लोग विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं उसे? विष्णु प्रयाग कहते हैं। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग कहते हैं। विष्णु प्रयाग से अलकनंदा कहलाती है धौली गंगा और विष्णु गंगा, वहां पे क्या होती है? अलकनंदा। और अलकनंदा तब तक अलकनंदा कहलाएगी जब तक वो भागीरथी से मिल जाए। फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ती है, हम देखते हैं पिंडार नदी आके मिलती है। पिंडार नदी जहाँ मिलती है वहां पे कर्णप्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग? कर्णप्रयाग बनता है। कौन सा? कर्णप्रयाग। पिंडार और अलकनंदा बराबर कर्णप्रयाग, नंदाकिनी प्लस अलकनंदा बराबर नंद प्रयाग, जहां पे मिलन होती है उसे प्रयाग कहते हैं। फिर मंदाकिनी प्लस अलकनंदा बराबर रुद्र प्रकार, भागीरथी प्लस अलकनंदा बराबर देव प्रयाग। इस प्रकार जो ये पंच प्रयाग हैं, इन्हीं के बाद क्या होती है? ये सतत रूप से गंगा कहलाती है, गंगा के नाम से फिर आगे बढ़ते हुए चली जाती है। यहां तक कोई समस्या है आपको? कोई समस्या नहीं है। चलिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, गंगा की अगर कुल लंबाई की बात करें, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है, ठीक, लेकिन ऐसे गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर लिख लीजिएगा, गंगा की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। लेकिन अगर मील में पूछ दिया जाए, किसमें? मील में। नहीं दिखाई दिया क्या? चलिए कोई बात नहीं, यहाँ दिखाई दे रहा है। हाँ, कुल कितनी है? 2525 किलोमीटर है, जो पांच राज्यों से होकर बहती है। और इसमें अगर मील में पूछ रहे तो 1569 मील है और किलोमीटर में 2525 किलोमीटर है। पांच राज्यों में यात्रा करती है। पांच राज्य में अगर देखा जाए तो कौन कौन से? उत्तराखंड, यहाँ से निकल रही है, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है। इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं, क्योंकि एक से अधिक देशों में बहती है। एक बात। दूसरी बात, अब अगर क्रम से देखा जाए तो अलग अलग किताबों में इसके अलग अलग आंकड़े मिलते हैं। पहले ऊपर से उत्तराखंड में 450 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर, फिर बिहार में 405 किलोमीटर, झारखंड में सबसे कम 40 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर, ये अलग किताब में है। फिर एक किताब में मिला 310 किलोमीटर, कहाँ पे? 310 किलोमीटर लंबी यात्रा कहाँ करती है? उत्तराखंड में। 1140 किलोमीटर लंबी यात्रा उत्तर प्रदेश अपने प्रदेश में करती है। 445 किलोमीटर की लंबी यात्रा या आपके बिहार राज्य में, 40 किलोमीटर झारखंड राज्य में, फिर 520 किलोमीटर की जो लंबी यात्रा है ये आपके पश्चिम बंगाल में करती है, अलग किताब में अलग। इस प्रकार और बची हुई दूरी वो बांग्लादेश में तय करती है, बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, फिर पद्मा और आगे बढ़ती है। इसी प्रकार यह हमने क्या देखा? गंगा नदी की प्रणाली को पढ़ लिया। अब हम इसके कुछ चीज़ों को और थोड़ा सा बारीकी से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि हमने देखा कि जहाँ से देव प्रयाग हुआ वहाँ से गंगा कहलाई, गंगा और आगे बढ़ती है। तो
तो यहीं से ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, ऋषिकेश के बाद कहाँ जाती है आपके, हरिद्वार में जाती है। फिर हरिद्वार में हम ये देखते हैं कि वहां से ऊपरी गंगा नहर होती है, हरिद्वार में से ऊपरी गंगा नहर कहते हैं। फिर बिजनौर आता है उत्तर प्रदेश का, जहाँ मध्य गंगा कहते हैं। नरौरा से इसे निम्न गंगा के नाम से जाना जाता है। फिर इसी गंगा में हम देखते हैं कि इसके दाएं छोर से यमुना नदी आती है। अभी यमुना नदी को अलग से ही पढ़ेंगे। यमुना नदी आती है, यमुना नदी जो है वह सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है, जो ग्लेशियर से निकलती है, दाएं तरफ से मिल रही है। यमुना नदी की भी सहायक देखेंगे चंबल, बेतवा, केन, सिंध, हिंडन, ये सब क्या है यमुना नदी की सहायक नदी है। फिर यमुना आती है कहाँ पे मिलती है, यमुना गंगा से कहाँ मिलती है, इलाहाबाद में मिलती है। ठीक, इलाहाबाद में मिलती है। मैंने प्रश्न पूछा था महाप्रयाग किसे कहते हैं, आज जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर हम देखते हैं फरुखाबाद गंगा नदी किनारे है। कन्नौज में, कन्नौज में उसके बाएं तट से राम गंगा और काली नदी मिलती है। राम गंगा और काली नदी, राम गंगा के बारे में एक बात ध्यान दीजिएगा कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जिसका उद्गम ग्लेशियर से हुआ गंगा नदी, यमुना नदी है। लेकिन यदि यह पूछ दे कि बाएं छोर से मिलने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जिसका उद्गम कहाँ पे हुआ, हिमालय से हुआ, तो राम गंगा है। कौन सी है, राम गंगा, जो आगे कन्नौज में मिल जाती है। कहाँ पे, कन्नौज में, और वहां पे काली नदी भी मिलती है कन्नौज में। और यमुना क्या है, सबसे बड़ी सहायक है, हिमालय से भी निकलती है लेकिन दाहिने छोर से मिलती है, बाएं से नहीं। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको, कन्नौज किस नदी किनारे बसा है आप जान जाएंगे। फिर कानपुर, कौन सा, कानपुर, वहीं प्रदूषण भी बढ़ने लगता है गंगा में। कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, इलाहाबाद की फिर आगे जाती है मिर्जापुर। मिर्जापुर अगर पहुंचते किस नदी किनारे, तो गंगा नदी किनारे। फिर वाराणसी, फिर कहा वाराणसी, कहाँ पहुंची, वाराणसी पहुंची। वाराणसी किस नदी किनारे बसा है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, याद रखिएगा। मिर्जापुर, वाराणसी, फिर उसके बाद गाजीपुर जाती है। गाजीपुर में गोमती नदी, गाजीपुर में जाती है तो गोमती नदी उसकी सहायक नदी मिलती है। अब गोमती नदी किधर से, बाएं छोर से आती है, गंगा के बाएं छोर से। इसी नदी को हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या देख रहे हैं, नदी आगे बढ़ा दिया जाए तो इसकी कहां से, बाएं छोर से। अगर इस नदी बह रही है इधर से आती है बाएं छोर से, इधर से आ रही तो दाएं छोर पे आती है। कौन सी मिलती है आपकी, गोमती नदी। गोमती नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र में हुआ है। अब हमें बताइए गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ हुआ है। हमारी संस्था मेन ब्रांच जौनपुर किस नदी किनारे बसा है, गोमती नदी किनारे बसा है। किस नदी की, गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। अगर आप जौनपुर जुड़े हैं आपका मोस्ट वेलकम। हमारी ब्रांच वाराणसी में भी है, वो भी गंगा नदी किनारे है। ठीक, तो ये हमने देख लिया। फिर हम आगे देखते हैं छपरा। छपरा में घाघरा नदी आके मिलती है, उधर से आती है नेपाल से, ये दाएं तट से मिल रही है। घाघरा नदी कहाँ मिलती है, जाके नेपाल से निकलती है, जाके छपरा मिल जाती है। सोन नदी पटना मिलती है, दाएं से मिल रही है, सोन नदी पटना मिलती है। फिर गंडक ये भी दाएं से मिलती है, दाएं से नहीं, गंडक ये हाजीपुर में मिलती है, सॉरी ये तो बाएं तट से आ रही है, ये बाएं तट से आ रही है, सॉरी गंडक मिलती है हाजीपुर में। और सोन नदी भी साथ, सोन नदी दाएं तट से मिलती है, घाघरा साथ बाएं तट से मिलती है। अभी हम क्लियर कर देंगे, अभी डायग्राम बनाने थोड़ा सा दिक्कत है। तो बस ये जानिए, घाघरा छपरा मिलती है, सोन नदी पटना मिलती है, गंडक हाजीपुर में मिलती है, कोसी नदी भागलपुर मिलती है। कोसी नदी कहाँ मिलती है, भागलपुर में। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कोसी नदी कहाँ पे मिलती है, तो कोसी नदी बारे में आप ये जानते रहेगा, उसे बिहार का शोक कहते हैं। और कहाँ मिलती है गंगा में, भागलपुर में, भागलपुर में। फिर आगे जाते हैं, और भागलपुर गंगा नदी किनारे बसा है। फिर साहेबगंज, पाकुर, फिर फरक्का पहुंचती है। कहाँ पे, फरक्का। फरक्का देखा जाए तो एक बात और जानते रहिएगा, गंगा पर फरक्का बैराज बनाया गया है, जानते होंगे। तो फरक्का बैराज बनाकर इसके जल को भागीरथी की ओर प्रवाहित करने का विचार सबसे पहले आर्थर कॉटन, आर्थर कॉटन को, आर्थर कॉटन यहाँ लिखिएगा, आर्थर कॉटन, आर्थर कॉटन 1853 में दिया था। आर्थर कॉटन ने 1853 में दिया था। गंगा की धारा 70 किलोमीटर तक ऊपरी हिस्से में बैराज को फरक्का नाम दिया, क्या दिया है, जो बैराज बना हुआ उसे फरक्का के नाम से दिया गया। फिर हम देखते हैं फरक्का जाती है, फरक्का से फिर हुगली नदी और फिर भागीरथी, दो धाराओं में टूट जाती है गंगा। जब पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो गंगा दो भागों में टूट जाती है, एक होती है मुख्य धारा भागीरथी हो जाती है, दूसरी हुगली। हुगली
आगे जाती है तो उसे दामोदर मिल जाती है, उसके बाद जाके गंगा सागर द्वीप बना के बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। फिर हमें देखते हैं कि हुगली, भागीरथी, गंगा सागर द्वीप, बंगाली खाड़ी, फिर उसकी जो मुख्य धारा होती है पश्चिम बंगाल से होते हुए जो प्रमुख धारा मेन धारा है वो कहाँ निकलती है, वो पद्मा नदी से कहलाती है। कौन सी नदी? पद्मा नदी। पद्मा नदी बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नदी कहते हैं, और पद्मा नदी जब बांग्लादेश से पहुंचती है उधर से जमुना आती है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, गंगा को पद्मा कहते हैं। जमुना और पद्मा जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक, जब जमुना और पद्मा दोनों इधर से पद्मा इधर से जमुना मिल जाती है, फिर इधर से बराग नदी मिल जाती है, फिर इसके संयुक्त धारा क्या कहते हैं हम, मेघा नदी कहते हैं। फिर हम देखते हैं सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। इस प्रकार हमने गंगा नदी प्रणाली पढ़ा, नदी प्रणाली पढ़ लिया। अब इसके बाद गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे। ये गंगा नदी प्रणाली को पढ़ लिया, तंत्र का हिस्सा है, इसे हम और डीप में पढ़ा सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, इस टॉपिक को ही खत्म कर दिया ताकि आपको थोड़ी समस्या ना हो पढ़ने में। और हमने आपको पंचप्रयाग बता दिया, एक बार हम रिविजन कर देते हैं। लेकिन फिर छोटी सी बात, आपको अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है, हमारे यहाँ नोट्स भी उपलब्ध है ऑनलाइन क्लास, उसके लिए आप 6306344367 पे कॉल कर सकते हैं। तो साथ ही साथ टेलीग्राम पे हमसे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि हम कभी कभी वीडियो डालते हैं तो उसकी लिंक आप लोग को नहीं पहुंच पाती, उसके लिए आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश्वर बिना स्पेस दिए, जस्ट सर दुर्गेश्वर सर्च करेंगे इलेनिक तरीके से जुड़ जाएंगे। हमारा फेसबुक पेज भी है दुर्गेश्वर, वहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं। इस प्रकार हमने क्या देखा, पंचप्रयाग को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं क्योंकि यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट पढ़े पढ़ेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। देखिए ये बातें हैं कि आपको समझ में आना सबसे बड़ी बात है, मैं बढ़िया पढ़ाता हूँ या नहीं पढ़ाता हूँ इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपको समझ में आना। अगर हम प्रयाग को पढ़ना चाहें पंचप्रयाग को, तो अगर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे सबसे पहले हमें मिलेगा देवप्रयाग। देवप्रयाग कैसे बना, इधर से आई भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग बना। फिर हमने पूछा कौन सा प्रयाग, उसके बाद रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से रुद्रप्रयाग बना, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, फिर नंदप्रयाग बना, नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी, नंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से नंदप्रयाग बना, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग। फिर पिंडार नदी आई तो यहाँ पे बना कर्णप्रयाग। फिर और ऊपर जाते हैं अलकनंदा और पिंडार से कर्णप्रयाग, फिर ऊपर जाते हैं विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग किधर से, जब विष्णु गंगा धौली गंगा दोनों मिले तो विष्णुप्रयाग कह रहा है, और यहीं से नदी का नाम अलकनंदा हो जाता है, देख रहे हैं ब्लू कलर से अलकनंदा। इस प्रकार हम लोगों ने नदी तंत्र नदी प्रणाली को पढ़ लिया, गंगा के जो आपको प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण था वो मैंने बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा, और नहीं आया तो इसको एकदम आराम से देख लीजिएगा, एक बार इसकी नोट्स बना लीजिएगा स्वयं से, और इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, अभी मारे जाते हैं उसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको समस्या भी ना हो जी। और फिर यदि कोई समस्या रहती कमेंट बॉक्स में, हमने पूछा था कि महाप्रयाग क्या कहते हैं, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी अफवाह तंत्र को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सब इंतजार करिएगा अगले वीडियो का, और हाँ ऑनलाइन क्लास के लिए आपका मोस्ट वेलकम। अगर आपको वीडियो बेहतर लगेगा तो लोगों तक पहुँचाएगा, नहीं तो अपने पास इसे सुरक्षित रखिएगा, स्वयं देखिएगा, क्योंकि हमने प्रयास किया है कि आपके कोई प्रश्न छूटने ना पाए, और हमने आंकड़े भी साथ साथ बता दिए, प्रयाग को पूरा क्लियर कर दिया कि पंचप्रयाग किसे कहते हैं। पंचप्रयाग के बाद हमने एक प्रश्न भी पूछा कि महाप्रयाग किसे कहते हैं, आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, नहीं देंगे अब हम आपको उत्तर उसका बता ही देते हैं। महाप्रयाग प्रयागराज को कहते हैं, जहाँ पे यमुना और गंगा का मिलन होता है, ठीक, वहाँ पे मेला लगता है, उस मेले का नाम बताइएगा, ठीक। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।